दोबारा कहना भी नहीं मिलू कि मैं काम लग जाए पता करा किसी के घर काम कर ना सवाल ही नहीं पैदा हूँ। भाइयों क्या हाल चाल है, मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, जहाँ मेरे यहाँ खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये हमारी आज की सुबह आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। रहिएगा बहन भाई हमारे साथ साथ, जो भी घर का काम होगा रूटीन होगी सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला सब बहन भाइयों ने अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे, आमीन। अल्लाह ताला सब ते अपने रहमत बनाई रखे, आमीन। तो जी अज मौसम काफ़ी ख़राब है और कल भी काफ़ी नेरी आती रही है, अज भी धुप नहीं निकली और ठंडा मौसम ही है। शुक्र है अल्लाह का अज गर्मी नहीं, कल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई सी और धुप हुई सी, क्योंकि हुण जाहिर है मौसम है गर्मी का, तो गर्मी तो होएगी। तो बच्चे माशाल्लाह गए जी स्कूल और मैं भी फारग हो गई सी काम कुम करके, सफाई वगैरह करके, क्योंकि साढ़े 8 बजे की लाइट बंद है सुबह की, और कह रहे हैं कि 2 बजे आनी है, देखो जी 2 बजे आती है या कदों आती है, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और लाइटा बंद भी होनी शुरू हो गई ने। गर्मी में अक्सर ज़्यादा लाइट बंद होंगी, सुबह जाती है 2 बजे आने, 3 बजे किसी टाइम तो सारा सारा दिन ही नहीं आती। तो आज तो सगों मैं पानी भी नहीं भरया, मैंने याद नहीं सुबह उठ के नमाज पढ़ के ना, तो मैं नाश्ता वगैरह बना लग गई। तो मैं चल पानी ताज़ा भर लाँ, क्योंकि धुप आ जाती है तो ड्रमी धुप्पे है और पानी गर्म हो जाता, इस वास्ते मैं पानी नहीं भरया। तो चलो हूँ फिर देखते जो आएगी लाइट, यह भी हूँ गर्मी है और पानी भी नहीं पीता जाता, गर्म हो जाता है, फिर बर्फ मंगवाई दी है, तो फिर बर्फ पाई दी कूलर च, फिर ठंडा पानी पीता जाता है। तो जी करते हैं जोड़ा घर का काम है। मुनीब आ गया स्कूलों और असी आए छाते, और मौसम काफ़ी प्यारा है, कभी हल्की हल्की बारिश होती है, कभी निकल धुप निकल आती है। और ये देखो काले काले बदल, मौसम बहुत अच्छा आया है। और नाल दे हमसाए ने भी इट्टा सटवाइया ने, और लगता पर्दे करन लगे ने, पता नहीं कमरा पान लगे उपर, सही है पर्दे उच्चे हो जाएंगे ना, तो गर्मी है 4-5 डाने उपर, और पर्दा तो होना तो जरूरी है ना। और जी हवा भी चल रही है, उपर हवा चलन रही, इस वास्त मैं उपर आ गई, मैं थले गर्मी सी और असी उपर आ के बैठ के जरा। और ईद लंघी है, छुट्टियां खत्म हुई ने और सामने मशीन फिर चलन दया ने, उ शोर शराबा मशीन चलन की आवाज़ आ रही है, और चिड़िया भी बोल दें पे परिंदे, इतने दरख्त बैठे हुए ने, काफ़ी शोर शराबा है इतने ना इस गली दे विच, मशीन चल दी पाइं। उधर कोई शोर शराबा नहीं सी, कोई मशीन नहीं सी, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं सी, और इधर काफ़ी गली च है वा रौनक शौनक उवें तो सही है, लेकिन शोर ही बहुत ज़्यादा है इधर ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी मैं लगी चावल साफ करन, और जी अज बनाने चावल उबाल के दाल पकाई सी कल रात नू, और पई हुई है, और मैं कह नाल चावल उबाल लें और खाते जाएंगे, उबाल लेंगे या हल्का ही तड़का ला लेंगे, देख रही है कि मैं बनानी, मैं साफ करके ना धो के ना पानी पाकर रख दूँगी कभी, और गैस भी आना लगे जिम्मे गैस आएगा चावल धो के रख लेने, और इधर रखे जी उपर पानी और नमक पाता है चावल उबालन वास्ते, और गैस जो ना बहुत हल्का हल्का है, मैं चलो हौली 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 ना आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म हो जाएगा, चावल बच पा लेंगे। माशाल्लाह पानी पक्न दिया है, और मैं चावल पा देव पहले धो के रख ले सी मैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चंगी तरह उबल जाएंगे और फिर दम ला देंगे, और उबले चावल तैयार, दाल और चावल। माशाल्लाह चावल हो गए तैयार, चावल और दाल भी गर्म कर ली है, चावल मैं खाधे जाने, दाल खाधी नहीं जाने, चावल के पा खाधी जाए, और आगे पैर बैन बने जी जिसने खाने हैं दाल और चावल खाए हमारे साथ। और तो कह रहे जी कि कम का पता करा फिर मैं खादे वास्ते
ਮਾਦੇ ਵਾਸ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ दोबारा कहना भी नहीं मैनू कि मैं काम लग जाए पता करा किसी के घर काम कर सवाल ही नहीं पैदा होंगे घर बहो सुकून न जो नसीब की रोटी है वह खाओ हाँ जी कोई मुश्किल नहीं है जिथे इन्ना कुछ हो रहा ना यह भी हो जाएगा आई समझ मैं तो आप दिल नहीं करता जो तेन इन्नी समझ सोच होंगी दोबारा मैं ना कहती कि मैं तेरे काम का पता करा गुजारा बस नहीं काम करना गल खत्म अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है जहां भी रहे खुश रहे हैं बात रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे ठीक है खाना शाना खाओ और जी मैं बना रही जी चाय खाना खाता थी चावल और मैं कल चाय बनानी है तो चाय पीनी है क्योंकि गर्मी आ गई हम चाय काफ़ी घट कर दिती है सुबह या शाम जो दोपहर एक टाइम बना लेगी और जहाँ कोई मेहमान है मैं फिर बनाई चाय ज़्यादा चाय नहीं बनाई क्योंकि मौसम तब्दील हो गया है और वैसे भी बहुत ही औखा है घर बच्चों भी देखना पढ़ा स्कूल भेजना और टेंशन होगी कि मैं वीडियो भी बनानी है और किसी के घर जाकर काम भी करना है और उतों आना तो पिछले ध्यान होता कि बच्चे स्कूलों आए नहीं इन्होंने खाना बना के देना है परेशानी तो होंगी है लेकिन ये भी परेशानी है कि नहीं गुजारा देख रहे हैं सर सोचते हैं कुछ ना कुछ करना ही पैना है चाय मछला बन गई है और होना है सारी गई हो मन झूम झूम